ये दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल DIY इथिक्स में। ओके तो हमारे पास एक छोटा सा टेरिस गार्डन है, उस गार्डन के लिए हमने एक गार्डन चेयर भी बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब हमको एक टेबल की ज़रूरत है, बेसिकली एक फोल्डिंग टेबल की ज़रूरत है जिसको हम टी टेबल भी बोल सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो गार्डन के लिए टेबल बनाना बहुत ही मज़ेदार प्रोजेक्ट हो सकता है। आज जो हम टेबल बना रहे हैं उसके तीन मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट है मूविंग लेग्स जिस पे हमारा टेबल फोल्ड होगा, दूसरा है फिक्स लेग्स जिससे हमारा टेबल स्टैंड करेगा, और तीसरा है उसका टेबल टॉप। ओके तो सबसे पहले हम लेग्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास एक बबूल की लकड़ी है, उसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। इसकी थिकनेस है 1 इंच की और उसको हम 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई में कट कर लेंगे। ओके तो लेग्स के लिए हमारे पीसेस तैयार हो चुके हैं। दो पीसेस है जिसकी लंबाई है 95 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, और 4 पीसेस है जिसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम मूविंग लेग्स बना लेंगे, उसके लिए हमने डायमंड शेप के एक पोर्शन को बनाया है। तो जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, तो हमने शेप का प्रिंट निकाल लिया है और उसको हम कटर की मदद से कट कर लेंगे। उसके बाद लकड़ी के पीसेस लेंगे और उसको शेप में ड्रॉ कर लेंगे। ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है और ड्राइंग के मुताबिक हम सर्कुलर सॉ ले लेंगे और सर्कुलर सॉ की मदद से हम शेप को अच्छी तरह कट कर लेंगे। ओके तो ये तैयार हो चुका है और जो थोड़ा बहुत बच गया है उसको हम सैंडिंग मशीन की मदद से फिनिश कर लेंगे। ओके तो जो हमारा लेग्स है कुछ ऐसा दिखने वाला है, तो इसको हम जॉइन कर लेंगे। इन दोनों पार्ट्स को जॉइन करने के लिए जो मेथड का हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसको स्लिप टंग एंड ग्रूव जॉइंट मेथड बोलते हैं, जिसमें हम दो आइडेंटिकल ग्रूव कट लगाते हैं और एक लकड़ी का अलग से पीसेस लेते हैं और उसको आपस में ग्लू की मदद से जॉइन कर देते हैं। ओके तो जो ग्रूव है उसको हम स्लॉट भी बोलते हैं। तो हम जो स्लॉट बनाने वाले हैं वो राउटर मशीन से बनाने वाले हैं। तो राउटर मशीन को हमने टेबल में फिट कर दिया है और उसके मुताबिक हम सबसे पहले राउटर मशीन को एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारा जो राउटर है वो एडजस्ट हो चुका है, अब हम इस पोर्शन में से स्लॉट कट कर लेंगे। ओके तो इस तरह का स्लॉट बन के तैयार हो चुका है, लेकिन इसका जो डेप्थ है वो अभी कम है, तो इसको हम एक और बार मशीन से पास कराएंगे। ओके तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड पास से जो रिक्वायर्ड डेप्थ थी वो अचीव हो चुकी है, अब ये जॉइंट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरह से हम बाकी पीसेस को भी राउटर की मदद से कट कर लेंगे।
ओके, तो हमारे स्लॉट बन के तैयार हो चुकी है, इसको हम ग्लू की मदद से जॉइन कर लेंगे। ओके, तो हमने क्लैम्प से टाइट करके इसको रात भर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, तो अब ये सूख चुका है, तो इसको हम क्लैम्प से अलग कर लेंगे और इसी तरह हम दूसरा पीसेस भी इसी मेथड से बना लेंगे। ओके, तो अब हम फिक्स लेग बनाने वाले हैं। ये सिंपल सा एक क्रॉस लेग होने वाला है जिसको हम एक ओवरलैप जॉइंट मेथड से जॉइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्रॉस जॉइंट के लिए नाप ले लेंगे और पेंसिल से मार्क कर लेंगे। ओके, तो राउटर की मदद से हम लकड़ी को ट्रिम कर लेंगे। जो हमारी लकड़ी की थिकनेस है वो 1 इंची की है, तो हम आधा इंची की थिकनेस से कट कर लेंगे जिससे ओवरलैप जॉइंट हो सके। ओके, तो हमारा जो लेग है वो तैयार है। अब हम इसको सिंपली ग्लू और स्क्रू की मदद से जॉइंट कर देंगे। तो अब हम टेबल टॉप बनाने वाले हैं जिसका डायमीटर होने वाला है 80 सेंटीमीटर का। उसके लिए हमने पाइन वुड का इस्तेमाल किया है और जो बीच का पोर्शन है जहाँ से हमारा टेबल फोल्ड होगा वहाँ का साइज़ है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हम पाइन वुड को ग्लू की मदद से जॉइन कर लेंगे और जो हमारा क्लैंप है उससे हम अच्छे से टाइट कर लेंगे और उसको रात भर के लिए एटलीस्ट 12 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। ओके, जो हमारा बोर्ड है अब वो सूख चुका है और आगे के प्रोसेस के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हमने बोर्ड को टेबल पे ला लिया है और जो बोर्ड का सरफेस है अभी रफ है तो उसको हम सैंडिंग कर लेंगे। तो हमारे पास ये एंगल ग्राइंडर है, इस पर हमने अटैचमेंट लगाया है, इससे हम अच्छी तरह से दोनों बोर्ड की सैंडिंग कर लेंगे। तो हमारे तीनों कंपोनेंट तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले टेबल टॉप के दोनों साइड के बोर्ड और उसका सेंटर का पीस, फिर दोनों साइड का मूविंग लेग्स और ये फिक्स वाला क्रॉस लेग। ओके, जो हमारे पार्ट्स हैं अब वो बन के तैयार हो चुके हैं। अब बारी है इन सबको असेंबल करने की। जो हमारा टेबल टॉप है उसमें हम कब्ज़े अटैच करेंगे और जो कब्ज़े है वो प्रॉपरली अलाइंड होने चाहिए ताकि टेबल आसानी से फोल्ड हो सके, और जो कब्ज़े है वो हेवी ड्यूटी होने चाहिए ताकि टेबल को अच्छी तरह होल्ड कर सके, और जो स्क्रू है वो भी अच्छी तरह टाइट होने चाहिए। ओके, तो अब हम पाइन वुड को 80 सेंटीमीटर के डायमीटर में कट करने वाले हैं। उसके लिए हमने राउटर को प्लाईवुड में अटैच कर दिया है और उसमें हम 40 सेंटीमीटर का रेडियस लेने वाले हैं। तो राउटर बिट से 40 सेंटीमीटर की लेंथ में एक पॉइंट बना लिए है और उस सेंटर पॉइंट से हम बोर्ड को सर्कुलर में कट कर देंगे। ओके, तो हमारा जो फिक्स लेग है उसमें हम मूविंग लेग को कब्ज़े की मदद से अटैच करेंगे। तो ये 4 इंची का कब्ज़ा है और इस कब्ज़े के मुताबिक हम राउटर से उतना एरिया को ट्रिम कर देंगे। तो स्लॉट बन जाने के बाद हम मूविंग लेग को फिक्स लेग में अटैच कर देंगे।
ओके, तो हम लेग्स के पॉइंट पे 50 डिग्री से मार्क कर लेंगे, जिससे हमारा पॉइंट है वो फ्लैट हो जाए और उस पर टेबल टॉप फिक्स हो जाए। ओके, तो हमने लेग्स के जो पॉइंट है उसको कट कर लिया है और उसको स्क्रू एंड ग्लू की मदद से फिट कर लेंगे। ओके, तो जो हमारा मूविंग लेग है उसको एक सर्टेन पॉइंट पे होल्ड करने के लिए हम उसमें चटकनी लगाने वाले हैं। चटकनी को बराबर पोजीशन में रखने के बाद हम लेग्स पे मार्क कर लेंगे और उतने पोर्शन को हम सर्कुलर सॉ की मदद से कट कर लेंगे। उसके बाद हम चटकनी के साइज़ का ड्रिल से होल भी कर लेंगे और चटकनी को फिट भी कर देंगे। टेबल टॉप और सारे लेग की अच्छी तरह सैंडिंग करने के बाद हम उसमें पॉलीयूरेथीन का 2 से 3 कोट भी कर लेंगे, जिससे टेबल की खूबसूरती भी बढ़ जाती है और टेबल की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। तो पहले सारे लेग्स की कोटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद टेबल टॉप की कोटिंग कर लेंगे। अच्छा, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद जब हम टेबल को टेस्ट कर रहे थे तो हमें एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। जो लेग है वो चटकनी से आगे निकल जा रहा था, इसका मतलब जो लेग है वो लैचेस को एक्सीड कर जा रहा था। तो उसको एग्जैक्ट पोजीशन पर रोकने के लिए हमने एक जुगाड़ लगाया। तो ये डोर मैग्नेट है हमारे पास, तो इसको हम रिक्वायर्ड पोजीशन में फिट कर देंगे। ओके, अब हमारा जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो चलिए फोल्डिंग टेबल को लगाते हैं हमारे टेरिस गार्डन में। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।